हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो स्टार्टिंग देख के आपको पता ही लग गया होगा, तो आज किचन की क्लीनिंग का व्लॉग है। और यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं मंदिर होके आ गई थी और नहा लिया था, पूजा कर ली थी, ऊपर के रूम का झाड़ू पोछा करी आई थी, चाय वाय हमने पी ली थी और उसके बाद लग गई थी फिर मैं यहाँ किचन क्लीनिंग में। और सबसे पहले ऊपर से झाड़ना शुरू किया था, क्योंकि जो ऊपर से झाड़ेंगे फिर वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो ये फैन चलता है ना, तो ये सारा सब अपना जब खाना बनाती है तो ऊपर की तरफ ही खींच लेता है। तो यहाँ जो ड्रॉर के ऊपर पेपर लगा रखा मैंने, इस पे छोटे छोटे से रुए से जाले के बन जाते हैं, तो वही हटाए थे मैंने और सारा साफ कर लिया ऊपर से। कपड़े पहले झाड़ू से कर लिया, फिर कपड़े से कर लिया और इसी तरह से करी थी क्लीनिंग। और छोटा सा वीडियो है तो पूरा वॉच करना और देख के बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किचन क्लीनिंग में तो मुझे 1.5 घंटा लग गया था, मतलब फिर झाड़ू पोछा भी किया, यहाँ का 1.5 से 2 घंटे लग गए होंगे। झाड़ू पोछा किया और यहाँ की सफाई की, और मेरा बेटा ने मेरे साथ कराया था तो इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट हम नहीं कर पाए थे। काम करते करते तो फ़ोन रख दिया था, ट्राईपॉड मेरा टूट रखा है, कई दिन हो गए तो कैमरा पकड़ के ही शूट करना पड़ता है, और फिर इसलिए दोनों काम कर रहे थे तो शूट भी नहीं कर पाए थे ज़्यादा वीडियो। और यहाँ पे आ गई है फिर ड्रॉर की क्लीनिंग की। तो सबसे पहले गर्म पानी किया और उसमें सर्फ लिया और उसमें एक कपड़ा गीला किया और फिर अच्छे से ड्रॉर पे मारा। फिर उसके बाद सर्फ का कपड़ा मारने के बाद टाइट सा गीला कपड़ा मारा और उसके बाद लास्ट में मारेंगे सूखा कपड़ा, क्योंकि हमारी गैस के ऊपर ही है ना, ड्रॉर स्पेस कम है, चिमनी लगी नहीं हुई है किचन की, तो जल्दी से गंदे हो जाते हैं। 15-20 दिन में साफ करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरी पराठे सब्जी जो भी छूकती है उसका चिकनापन तो ऊपर की तरफ ही जाता है, तो यहाँ पे ड्रॉर गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी कर दी है अच्छे से क्लीनिंग। चिमनी होती है अगर किचन में तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, और नहीं तो फिर चिकना तो रहता ही है, तो इसलिए अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्रॉरों को कर दिया है साफ, और ऊपर के भी ड्रॉर साफ हो चुके थे, यहाँ पे नीचे के भी ड्रॉर साफ हो गए थे। और फिर बारी आती है बीच वाली इसकी स्लेब की, तो ये वाली स्लेब कर रहे थे हम, पूरी खाली कर ली थी और ये बास्केट भी मैंने खाली कर ली थी, तो मेरे को इसे मांजना था, मतलब अच्छे से साफ करना था, तो फिर मैं इसे अच्छे से जूने से और ब्रश से करके साफ कर रही थी, क्योंकि इस पर भी पानी के निशान आ जाते हैं, बर्तन वर्तन धुल के रखते हैं तो जब किचन साफ करती हूँ तो इसे भी धो लेती हूँ। और इसे भी कई साल हो गए हैं, 4-5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल के करीब हो गए इसे मेरी बास्केट को लिए हुए मैंने, और काफ़ी अच्छी है, नई दिखती है, धुल दो फिर ठीक हो जाती है, थोड़ी गंदी होती है तो साफ कर लेते हैं सही हो जाती है। और यहाँ पे फटाफट से करते हैं, ब्रश की सहायता से मैं कर रही थी इसे साफ कोनों से, और इसे ना काफ़ी फायदा है, क्योंकि मैं यही रोटी बनाती हूँ ना, बेलती हूँ, स्पेस कम है तो स्लेब गिल्ली हो जाती थी, बर्तन रखती थी, तो अब इसमें रख देती हूँ बास्केट में तो गिल्ला नहीं होता है। और यहाँ पे फिर हो गए था मेरा अच्छे से क्लीनिंग, काउंटर क्लीन हो गया था और मैंने अच्छे से साफ कर दिया था गैस वैस, और यहाँ के जो एक दो सामान ना एक्स्ट्रा के थे वे डब्बे भी खाली करे थे वो भी धुल दिए हैं, ये टाइल वाइल सब साफ कर दिए हैं यहाँ की, लेकिन ज़्यादा सूट नहीं कर पाए थे। मैंने बताया ना दोनों लोग काम कर रहे थे, मम्मी बेटे, तो इसलिए कैमरा नहीं उठा पाए थे। सिंक विंक सब अच्छे से धुल दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है और हो गई है यहाँ की सफाई, और टाइलों में और ड्रॉर में शाइनिंग तो आ ही जाती है सफाई करके। और मेरा बेटा कहता है मम्मी मुझे तो वैसा ही दिखता है, आप कितनी सफाई करते हो जब भी। मैंने कहा बेटा तुझे नहीं पता लगता, मुझे पता लगता है कि हाँ हो गई है सफाई। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, अब झाड़ू पोछा बाकी रह गया है, यहाँ का झाड़ू निकालूंगी और फिर उसके बाद पोछा करेंगे। और काउंटर क्लीन हो गया है बिल्कुल, ड्रॉर व्रोर सब खूब अच्छे से साफ हो गए हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे अब झाड़ू और फिर करेंगे पोछा, फिर उसके बाद करेंगे फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे। और हो गया है साफ सफाई, बेड शीट वगैरह सोफे के कवर सब सही कर दिए, बस झाड़ू निकाल के पोछा करना, फिर कुछ खाने का देखेंगे। और मैंने बताया था कि ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, और फिर बस इसी के साथ करेंगे वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर देना, लाइक नहीं करते आप लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और आप कैसे करते हो अपने किचन की क्लीनिंग, कितने दिन में करते हो तो कमेंट करके बताना। मेरे को तो 15 से 20 दिन में एक बार करनी ही पड़ती है, क्योंकि ड्रॉर चिकने हो जाते हैं नहीं तो फिर। और बस यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिए फटाफट से,
अब बारी आएगी पोचे की और बस खाने की, फिर कुछ खाएंगे बना के, भूख भी लग गई है और थक भी गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम करो तो थक जाते हैं। चलो करते हैं वीडियो का एंड।